Welcome back students, in the last lecture of the chapter additives in dosage form. This is one of the basic chapter of pharmaceutics 2, additives in dosage form. You have discussed many additives up to time. This lecture you have discussed many additives. In that continuity, now we are going to discuss the next additive, that is stabilizer. This is very important from examination point of view. So firstly, we have to define what is the stability. Stability of a pharmaceutical preparation. So stability of a pharmaceutical product may be defined as the capability of a particular formulation in a specific container to remain within physical, chemical, microbiological, therapeutic or toxicological specification. तो क्या मतलब है इस बात का कि किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि उस प्रोडक्ट की जो है कैपेबिलिटी एक पर्टिकुलर कंटेनर जिसके अंदर उसको पैक किया गया है उसके अंदर उसकी कैपेबिलिटी टू रिमेन विद इन फिजिकल जो है फिजिकल में आएगा जैसे टेम्परेचर चेंज है मॉइस्चर कंटेंट है इसके साथ उसके अंदर चेंज ना आए केमिकल कोई केमिकल एक्शन ना हो विद इन इंग्रेडिएंट्स ड्रग का बाकी इंग्रेडिएंट के साथ कोई रिएक्शन ना हो इवन पैकेजिंग मटेरियल के साथ कोई रिएक्शन ना हो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या मॉइस्चर के साथ रिएक्शन ना हो माइक्रोबायोलॉजिकल यानी प्रोडक्ट के अंदर किसी भी तरह की बैक्टीरिया या मोल्ड की ग्रोथ ना हो थेरेप्यूटिक कि अगर कोई चेंज आती है तो उससे प्रोडक्ट की एफिशिएंसी जो थेरेप्यूटिक एफिशिएंसी है फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो और टॉक्सिकोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन कि किसी भी तरह का टॉक्सिन आगे प्रोड्यूस ना हो या प्रोडक्ट जो है वो कोई टॉक्सिक रिस्पॉन्स पेशेंट की बॉडी में प्रोड्यूस ना करे तो ये सारी जो कंडीशंस हैं इनको अगर विद इन द स्पेसिफिक कंटेनर कोई प्रोडक्ट मेंटेन करके रखती है ड्यूरिंग इट्स शेल्फ लाइफ उसे हम स्टेबिलिटी कहते हैं ठीक है फिजिकल केमिकल माइक्रोबायोलॉजिकल थेरेप्यूटिक और टॉक्सिकोलॉजिकल ये जितनी भी ये स्पेसिफिकेशन हैं जो भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए होगी उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए यानी जब तक वो एक्सपायर नहीं होती है जो भी उसको शेल्फ लाइफ दी गई है उस टाइम पीरियड के अंदर वो इसको मेंटेन करके रखती है इन स्पेसिफिकेशंस को तो उसको बोला जाता है स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू कंट्रोल दी स्टेबिलिटी आर नोन एज स्टेबलाइजर्स ठीक है तो इन जो स्टेबिलिटीज को मेंटेन करने के लिए हम जो सब्सटेंसेस यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं स्टेबलाइजर्स क्लियर तो स्टेबलाइजर्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे स्टेबलाइजर्स में सबसे पहले पढ़ेंगे आप एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट टर्म आपके लिए बड़ी कॉमन टर्म है पिछले सात क्लास्टर में आपने केमिस्ट्री में डिटेल टॉपिक बहुत सारे कंपाउंड एंटीऑक्सीडेंट के अंदर पढ़े हैं तो एंटीऑक्सीडेंट की डेफिनेशन क्या है सब्सटेंसेस एडेड टू फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन टू प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ ए ड्रग किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन में जो ड्रग डाली जाती है उसकी ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन को रोकने के लिए हम जो सब्सटेंस डालते हैं उसे एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट एक्ट करने वाला अब ये सब्सटेंस कैसे काम करते हैं आपको पता ही होगा आपने फर्स्ट में इनका मैकेनिज्म पढ़ा है कि इन सब्सटेंसेस में ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा अफिनिटी होती है तो इसलिए ये क्या करते हैं कि ड्रग की जगह खुद ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्ट करते हैं और जो ड्रग का मॉलिक्यूल होता है उसको ऑक्सीजन के क्लोज जाने से प्रोटेक्ट करते हैं ठीक है तो इसलिए ऑक्सीजन सेंसिटिव ड्रग्स को ये ऑक्सीजन के इफेक्ट से बचा के रखते हैं अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं एक आइडियल एंटीऑक्सीडेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए आपकी बुक में ये पैराग्राफ्स में ये लिखे मिलेंगे आपको बट आपने पेपर में हेडिंग डालना है प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल एंटीऑक्सीडेंट और पॉइंट्स में लिखना है तो सबसे पहले क्या है कि ये स्टेबल होने चाहिए ठीक है स्टेबल होने चाहिए और इफेक्टिव अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ पीएच अलग अलग पीएच के ऊपर स्टेबल भी हो एसिड पीएच बेसिक पीएच और इफेक्टिव भी हो बहुत सारे लंबी रेंज के ऊपर ये होते हैं ऐसे इफेक्टिव और स्टेबल होने चाहिए सेकेंडली क्या है
कलर होना चाहिए। अगर ये कलर होंगे तो क्या होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके कलर, जैसे अगर प्रोडक्ट आपकी कलरलेस है तो उसके कलर में ये इंटरफेयर करेंगे, अगर व्हाइट कलर की प्रोडक्ट है तो उसमें इंटरफेयर करेंगे। थर्ड इज नॉन टॉक्सिक, ठीक है। फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन में कोई भी चीज अगर आप डालते हैं तो नॉन टॉक्सिक होना उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज नॉन इरिटेंट, ये किसी भी तरह की इरिटेशन पेशेंट को कॉज ना करे। नेक्स्ट इज थर्मोस्टेबल, टेम्परेचर टाइम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, थर्मोस्टेबल होने चाहिए और कंपैटिबल विद द फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट एंड पैकेजिंग मटीरियल। जो भी फॉर्मुलेशन के इंग्रेडिएंट्स हैं और जो पैकेजिंग का मटीरियल है उनके साथ ये कंपैटिबल होने चाहिए, कोई इनके साथ रिएक्शन कॉज ना करे। तो आप जानते हैं बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट आपने पढ़े हैं, सोडियम बेटाबाइसल्फाइड है, बाइसल्फाइड है, सोडियम थायोसल्फेट है, एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक प्रोमिनेट है, प्रोपाइलग्लाइकोल है, ऐसे बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट आपने पढ़े हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रिजर्वेटिव, ये भी आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। सब्सटेंस एडेड टू फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन टू प्रिवेंट और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द प्रिपरेशन। तो ये कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में ऐड करते हैं टू प्रिवेंट और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है। आपको पता ही है कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो किन चीजों के ऊपर ग्रो करते हैं, जिन प्रिपरेशन से विभाजन होता है, कार्बोहाइड्रेट जो मेन सोर्स होते हैं, जैसे इमर्शन है, सस्पेंशन है, इनके अंदर आप इमल्सिफाइंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट डालते हैं, मोस्टली वो कार्बोहाइड्रेट सोर्स के होते हैं, तो इनमें वाटर भी होता है, तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव डालना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे प्रिंटर है, अगर तो वो सिंगल डोज कंटेनर है तो आपको कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालना पड़ेगा, अगर मल्टी डोज कंटेनर है तो आपको प्रिजर्वेटिव डालना पड़ सकता है, कि एक्सीडेंटल एंट्री जब आप डोज विड्रॉ करेंगे, एक्सीडेंटल एंट्री हो सकती है एयर के साथ किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म की, तो उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए आपको मल्टी डोज कंटेनर के अंदर प्रिंटर में भी प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा। बट अगर आपकी ड्रग जो है बैक्टीरियासाइड नेचर की है, जहाँ अंदर आपने कोई और लीथल बैक्टीरियासाइड डाला हुआ है, तो आपको एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव वहाँ पर भी नहीं डालना पड़ेगा। अब आता है चॉइस ऑफ प्रिजर्वेटिव, कि प्रिजर्वेटिव में भी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सबसे पहला वो ही है कि इट शुड बी इफेक्टिव अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ये इफेक्टिव होना चाहिए। कंपैटिबल विद अदर इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन के अंदर जो भी आपने ड्रग डाली है या बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं उनके साथ इसका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। सॉल्वर इन एटमॉस्फेयर व्हेन यूज्ड इन इमर्शन, तो जब आप इमर्शन बनाते हैं तो ये वाटर के अंदर ही सॉल्वर होने चाहिए। नॉन टॉक्सिक जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ऑर्डरलेस होने चाहिए, टेस्टलेस होने चाहिए, ठीक है, नहीं तो ये प्रोडक्ट के ऑर्डर में या टेस्ट में इंटरफेयर करेंगे। और लास्ट क्या है कि प्रिजर्व द प्रिपरेशन, ये आपकी जो प्रिपरेशन है उसको प्रिजर्व करके रखें और स्टेबल रखें ड्यूरिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। जितनी देर के लिए वो मेडिकल स्टोर की शेल्फ के ऊपर पड़ी है उतनी देर उसको ये एकदम स्टेबल रखें, ठीक है। तो ये जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है किसी सिंगल प्रिजर्वेटिव में नहीं है, तो हम क्या करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बेंजोइक एसिड एंड सोडियम बेंजोएट 0.1 से 0.2%, सैलिसिलिक एसिड 0.1%, फिनोल 0.2 to 0.5%, क्लोरोबेसोल 0.05 से 0.1%, एल्कोहल 15 to 20%, क्लोरोबिटेनॉल 0.5%, ऐसे और भी मिथाइल पैराविन, प्रोपाइल पैराविन 0.1 से 0.2%, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रिजर्वेटिव के। तो ये आपका टॉपिक हो गया स्टेबलाइजर, इसमें आपने ये दोनों लिखने हैं, एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट इज ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स, जो प्रोडक्ट की अपीयरेंस के लिए यूज होते हैं। फर्स्ट इज कलरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट कौन से सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंसेस यूज टू इम्पार्ट कलर टू फूड्स ड्रग्स कॉस्मेटिक टू इंक्रीज द ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। कलरिंग एजेंट कौन से एजेंट्स होते हैं, जो हम फूड में, फूड आइटम्स में डालते हैं, ड्रग्स में डालते हैं, कॉस्मेटिक्स में डालते हैं, ताकि आप प्रोडक्ट की जो लुक है, अपीयरेंस है, उसको इम्प्रूव कर सको, उसको इंक्रीज कर सको, ठीक है।
ठीक है। तो कलरिंग एजेंट प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने का काम करते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू ऐसे मार्केट अपील उसकी इंक्रीज करते हैं। तो इवन कई बार क्या होता है कि वार्निंग साइन का काम भी करते हैं, किसी स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्डाइज करने के किसी प्रेपरेशन को भी यूज किए जाते हैं। अब कलर आपको कहाँ से मिलते हैं? कलर आपको प्लांट से मिलते हैं, कलर जो है आपको मिनरल से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। बट आजकल जो है कलर्स का जो ट्रेंड है वो सिंथेटिक कलर्स का ट्रेंड है। तो जो कलर्स आपको मिनरल से मिलते हैं उन्हें हम पिगमेंट्स के लिए वर्ड यूज होता है, पिगमेंट्स, ठीक है। तो जो सिंथेटिक जो मिनरल कलर जो आपको मिलते हैं वो है फेरिक ऑक्साइड, येलो रेड, कार्बन ब्लैक, टिटेनियम डाइऑक्साइड और अल्ट्रामरीन, ठीक है। तो प्लांट से आपको कौन से कलर मिलते हैं? क्लोरोफिल, इंडिगो, एलिजरीन, कार्टिनोइड्स और फ्लेवोनोइड्स। एनिमल से सिंगल कलर मिलता है ऑर्जिनिन, जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में पहले यूज होता था। आजकल हर जगह सिंथेटिक कलर का ट्रेंड है। तो सिंथेटिक कलर आपके कौन से हैं? कोल्टा डाई, उसके अंदर नाइट्रो डाई, नाइट्रोसो डाई, एजो डाई, कायाजी, क्लोरामीन्स, ठीक है। यही कलर जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर यूज होते हैं। कैरामल और बर्न शुगर का जो कलर है ये काफी ज्यादा यूज होता है, जो कफ सिरप वगैरह में या सिरप जो है उनके अंदर ब्राउन कलर प्रोवाइड करने के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने कितना कलर डालना है, अमाउंट ऑफ कलरिंग एजेंट टू बी एडेड। तो इसके लिए कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, इसके लिए डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रेपरेशन है उसकी नेचर कैसी है, ठीक है। वो कि आप कैसे कलर की जो आप चाहते हैं कितने अमाउंट में कलर है, आप गाढ़ा कलर चाहते हैं, लाइट कलर चाहते हैं, डार्क कलर चाहते हैं, और जो आपकी प्रेपरेशन है वो क्लियर सॉल्यूशन है जहाँ उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जहाँ आपकी प्रेपरेशन सॉलिड है। तो जो लिक्विड प्रेपरेशन के लिए जनरली जो है कलर की जो रेंज है दैट इज 0.0001 से लेके 0.001% तक, और पाउडर्स में हम डालते हैं 0.1% तक, ठीक है। तो ये है आपका टॉपिक कलरिंग एजेंट, सिंपल सिंपल टॉपिक है ये सारे। नेक्स्ट इज फ्लेवरिंग एजेंट, ये भी आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो। सब्सटेंसेस यूज्ड टू इंपार्ट प्लेजेंट स्मेल टू द प्रिपरेशन एंड टू मास्क स्पेसिफिक टेस्ट एंड स्मेल ऑन द प्रिपरेशन दस मेक देम मोर पैलेंट। तो ये क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो किसी भी प्रिपरेशन के अनप्लेजेंट फ्लेवर को मास्क करते हैं और उसको एक अच्छा प्लेजेंट फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं। इससे जो आपकी प्रेपरेशन होती है वो पीने के लायक या खाने के लायक बन जाती है, ठीक है। तो आपके जो फ्लेवर्स हैं, अब फ्लेवर के भी सोर्स क्या है? पहले तो सारे नेचुरल सोर्सेज होते थे कि मोस्टली जो फ्लेवर होते थे वो सारे के सारे प्लांट से मिलते थे। आजकल फ्लेवर्स भी मार्केट में सिंथेटिक आ रहे हैं, जो नेचुरल फ्लेवर्स हैं उनको सिंथेटिक फ्लेवर से रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। अब फ्लेवर्स में भी ये है कि आपको प्रेपरेशन कैसी है उसमें आप कैसा फ्लेवर डालना चाहते हो। ओरल प्रेपरेशन में हम प्रेफर करते हैं फ्रूटी फ्लेवर या फ्लावरी फ्लेवर्स, ठीक है, जो स्पाइसी फ्लेवर, सॉल्टी फ्लेवर, बिटर, कुछ सॉर टेस्ट, ऐसे फ्लेवर्स प्रेफर करते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए हम फ्लावरी फ्लेवर जो है वो प्रेफर करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे मैं बोल रही हूँ कि पाइनएप्पल, बनाना, कार्डमम, जिंजर, सिनेमन, पेपरमेंट, ठीक है। इसके अलावा एनाइस, कैल्वे, क्लोव, डिल, लेमन, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन, लेवेंडर। इसके अलावा माल्ट एक्सट्रैक्ट, ग्लिसराइज़ा एक्सट्रैक्ट, कॉफी, वनीला, चॉकलेट, उल्वासम। और सिंथेटिक फ्लेवर्स में आते हैं मेंथॉल, मैरिडोल, क्लोरोफॉर्म स्पिरिट, क्लोरोफॉर्म वाटर। इनको आप यूज करते हैं कि वे जो भी है ये केमिकल्स के बना के आप इनको आगे यूज करते हैं। इसके अलावा सिंथेटिक में एल्कोहल्स, एल्डिहाइड, एस्टर्स, फैटी एसिड, कीटोन और लैक्टोज, इनको यूज किया जाता है। ये आपके सिंथेटिक फ्लेवर्स हैं। अब जो सिंथेटिक फ्लेवर है इनको नेचर के मुकाबले प्रेफर किया जा रहा है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, सबसे पहला रीजन तो ये है कि दे आर कॉन्स्टेंट इन कंपोजिशन। सारे सिंथेटिक फ्लेवर एल्कोहल जो है हर जगह सेम कंपोजिशन की मिलेगी आपको, इजीली अवेलेबल है, रेडली अवेलेबल है। अगर आप नेचुरल से कंपेयर करें तो चीप पड़ते हैं ये, स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल फ्लेवर्स, और उनकी जो इनकम्पेटिबिलिटीज हैं आप किसी केमिकल के बारे में अच्छे से स्टडी कर सकते हो, इसलिए उनकी इनकम्पेटिबिलिटीज को आप इजी
इजीली जो है प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये किसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा। अब आपके जो फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं इनकी सिलेक्शन भी अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। किसी पर्सन को कोई फ्लेवर पसंद है तो किसी को कोई फ्लेवर पसंद है, तो इसलिए ये मतलब इंडिविजुअल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो जनरली क्या होता है कि जैसे हम किसी प्रोडक्ट को हमने सॉल्टी टेस्ट लेना है तो हम उनके लिए सिनेमन, जैसे सॉल्टी प्रिपरेशन के लिए हम सिनेमन फ्लेवर को अच्छा समझते हैं। इसके अलावा ऑरेंज सिरप, कोका सिरप, वाइट चेरी सिरप और बसमती सिरप। बिटर टेस्ट के लिए कोका सिरप, रसमरी सिरप, चेरी सिरप, सिनेमन सिरप। सो टेस्ट जो है उसको मास्क करने के लिए रसमरी और फ्रूट सिरप हम यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे फिक्स ऑयल है उनका जो ब्लैंड टेस्ट है उसके लिए हम यूज करते हैं एरोमेटिक बाम सिरप, और कोडलिवर ऑयल के लिए हम ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, पिपरमेंट ऑयल, माल्ट एक्सट्रैक्ट, ग्रैनुलर एक्सट्रैक्ट। सिंगल फ्लेवर केवल के आपके प्रोडक्ट के स्मेल को मास्क नहीं कर पाता तो हम ब्लेंड ऑफ फ्लेवर्स यूज करते हैं। आपने देखा होगा जो बच्चों की प्रेपरेशन आती है, जो पेडियाट्रिक यूज की प्रेपरेशन आती है उसमें चॉकलेट सिरप, ऑरेंज सिरप, इन सब के कॉम्बिनेशन या पाइनएप्पल का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। तो फ्लेवरिंग एजेंट में भी ये है कि 0.1 से लेके 0.5% तक वोलेटाइल ऑयल आप किसी इमर्शन के अंदर डाल सकते हैं एज फ्लेवरिंग एजेंट। तो ये है आपका जनरल टॉपिक फ्लेवरिंग एजेंट। अब लास्ट आ गया स्वीटनिंग एजेंट, ये भी आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। सब्सटेंसेस यूज इन कॉम्बिनेशन टू मास्क द ऑब्जेक्टिवल टेस्ट ऑफ द ड्रग एंड मेक द प्रिपरेशन स्वीट इन टेस्ट। ऐसे सब्सटेंस जिनको हम फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं टू मास्क द ऑब्जेक्टिवल, अगर कोई बिटर टेस्टिंग ड्रग है, नोजेटिक ड्रग है, उसके टेस्ट को मास्क करने के लिए और प्रिपरेशन के फ्लेवर को स्वीट करने के लिए हम स्वीटिंग एजेंट डालते हैं। तो आप सभी को पता ही है सबसे कॉमनली यूज सुक्रोज है, शुगर कैन से मिलती है, वाटर में सॉल्युबल है, 4-8 पीएच में ये स्टेबल है, इजीली अवेलेबल है, कुछ ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ती है। सिंपल सिरप, लिक्विड ग्लूकोज, ये बहुत ज़्यादा लिक्विड प्रिपरेशंस में यूज होने वाले स्वीटनिंग एजेंट है, ठीक है। तो लेजेंडिस में भी शुगर, पिल्स में भी, टैबलेट्स में भी, सब जगह शुगर को ही हम यूज करते हैं, सुक्रोज को ऐड यूज करते हैं एज स्वीटनिंग एजेंट। बट आजकल इसमें भी आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट आ गए हैं, जैसे सैक्रिन है, सिंथेटिक कह सकते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग कह सकते हैं, सैक्रिन सोडियम, सैक्रिन पोटाशियम। सैक्रिन सोडियम जो है उसको अगर आप जो सैक्रिन जो है आप अकेली उसको अगर आप डाइल्यूट सॉल्यूशन वाटर में बनाएंगे तो वो 300 टाइम्स एज स्वीट एज सुक्रोज, ठीक है। तो ये कम क्वांटिटी यूज होती है, ये भी इजीली वाटर में सॉल्युबल है, अल्कोहल में भी सॉल्युबल है, ग्लाइकोल में भी सॉल्युबल है, ठीक है। उसके अलावा ये भी काफ़ी फिजिकली और केमिकल स्टेबल होते हैं, पीएच रेंज 3-8 में ये काफ़ी नॉर्मली स्टेबल बनाते हैं प्रिपरेशन को। और जो आजकल मार्केट में टूथपेस्ट वगैरह में आ रही हैं, जिन लोगों को स्विमिंग डाइट के ऊपर रखा जाता है, जो डायबिटिक हैं उनके लिए नेचुरल स्वीटनर की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर भी यूज हो रहे हैं। इसके अलावा एस्पार्टम यूज हो रहा है एज स्वीटनिंग एजेंट, जो शुगर फ्री डाइट में डाला जाता है, ठीक है। तो मतलब टेस्ट हम स्वीट कर रहे हैं बट कैलोरीज वहाँ पे हम डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि सुक्रोज से ये भी माना जाता है कि जैसे टूथपेस्ट वगैरह यूज किया जाता है उसका तो डेंटल कैरीज खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो ये है आपका टॉपिक स्वीटनिंग एजेंट। इसमें भी आपके नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरह के स्वीटनिंग एजेंट की एग्जांपल्स के बारे में बताना है। तो इसके साथ आपका ये जो चैप्टर है एडिटिव ये फिनिश होता है। ये जो चैप्टर है ये बेसिक चैप्टर है जो हर चैप्टर के अंदर कवर होता है। थैंक यू।